हे गाइस, वेलकम टू मैथमेटिक्स अनलीश्ड वेयर कंसेप्ट रूल्स। सो गाइस, मैंने फर्स्ट वीडियो जो अपलोड किया था क्यूब रूट ट्रिक का, वो था परफेक्ट क्यूब्स के लिए। लेकिन गाइस, हमको वो जो नंबर दिया हुआ रहता है वो परफेक्ट है या नॉन परफेक्ट, ये कैसे पता चलेगा? सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट वेदर इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब और एन इम्परफेक्ट वन। आज हम क्या फाइंड करने वाले हैं कि वो जो क्यूब रूट में हमें क्वेश्चन में जो नंबर दिया है वो परफेक्ट क्यूब है या नॉन परफेक्ट क्यूब है। एक बहुत ही फेमस प्रोसीजर है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, वो है डिजिटल सम मेथड, डिजिटल रूट मेथड, डिजिटल सम मेथड, ये आपने सुना होगा। द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड इट इज़ कि आपको सारे डिजिट्स का सम निकालना है वो पर्टिकुलर नंबर का। मैं आपको शो करूँगी डिजिटल सम मेथड, लेकिन स्टूडेंट्स पहले ही बता देती हूँ इसमें कुछ प्रोज और कॉन्स भी होते हैं। हर कोई ये प्रोज एंड कॉन्स आपके साथ डिस्कस नहीं करता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती है वाइल सॉल्विंग दोज क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विथ डिजिटल सम। सो वॉट इज़ डिजिटल सम? एज आई सेड कि वो एडिशन ऑफ डिजिट्स हैं। ओके, सो जो भी एडिशन हम करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल थिंग 8, 2, 3, 1, सो इनको हमें ऐड करना है, इसका हमें क्यूब रूट निकालने को बोला गया है। सो हम एट फर्स्ट इन डिजिट्स को ऐड करके देखेंगे कि ये क्या है। 8 + 2 + 3 + 1, ओके। सो 8 + 2 = 10, 10 + 4 = 14। नाउ वी विल अगेन एड 1 + 4, एंड हमें उसको कैसे भी करके रिड्यूस करके वन डिजिट नंबर पे लाना है, यानी 0 to 9 के बीच में हमें लेके आना है। 0 तो होगा नहीं ऑब्वियस, क्योंकि हम एडिशन करेंगे डिजिट्स का, तो ऑब्वियसली वो 0 से ज़्यादा ही होगा। सो 1 + 4 = 5, ओके। अब ऐसे ही करके आपको 5 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 9 मिलेगा। नाउ डिजिटल सम का रूल क्या है? जब कभी भी कोई परफेक्ट क्यूब होगा तो उसमें हमें ये जो एडिशन है ये 1, 8, 9, 0 मिलेगा, और बाकी सारे नंबर्स इधर आएंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके। लेकिन एक कंडीशन है, वो कंडीशन की वजह से ये डिजिटल सम की जो वैल्यू है वो थोड़ी गिर जाती है। बिकॉज हर एक शॉर्ट ट्रिक में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, इसका ये कॉन्स होने वाला है कि अगर आपका जो सम आएगा वो 1, 8, 9, 0 में से कुछ आएगा, तो कुछ नंबर तो आपके सेटिस्फाई होंगे कि परफेक्ट क्यूब्स है, लेकिन कुछ नंबर वो सेटिस्फाई नहीं होने वाले, यानी कि वो नॉन परफेक्ट भी हो सकते हैं। सो ये मे और मे नॉट बी अ परफेक्ट क्यूब। अगर 1, 8, 9, 0 आया, सॉरी 0 को रिमूव ही कर दो क्योंकि 0 आता नहीं है एडिशन करने पे, ओके। सो 1, 8, 9 अगर ये आए तो वो परफेक्ट क्यूब हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो नॉन परफेक्ट क्यूब में क्या होगा? नॉन परफेक्ट क्यूब में अगर आपका एडिशन करने पे 2, 3, 4, 5, 6, 7 में से कुछ आ गया, इट्स 100% श्योर कि वो नॉन परफेक्ट क्यूब होगा। लेकिन याद रखिए, कुछ नॉन परफेक्ट क्यूब्स का एडिशन 1, 8 या 9 आ सकता है, यानी कोई भी नंबर का एडिशन अगर 2, 3, 4, 5, 6, 7 आया तो आपको ब्लाइंडली एक चीज़ करना है कि आपको वो नॉन परफेक्ट है ये सोच लेना है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको यही जाने वाली है कि वो क्वेश्चन आएगा और उसमें से कुछ क्वेश्चंस में आपका एडिशन 1, 8 और 9 आने वाला है। जब कभी भी 1, 8 और 9 आएगा, आप ब्लाइंडली कुछ भी नहीं कह सकते वो परफेक्ट है, नॉन परफेक्ट है, कुछ भी नहीं कह सकते। तो इसमें क्या होने वाला है कि इसमें जो मैंने जो आपको मेथड बताया था लास्ट वीडियो जो अपलोड किया है क्यूब रूट ट्रिक का, जो एस्टिमेशन मेथड है, अगर वो आपने लगा दिया तो आपने इससे अगर परफेक्ट गेस किया और वो लगा दिया तो आपका रॉन्ग होने वाला है 100%। तो अब वो जो शॉर्ट ट्रिक थी वो बेस्ट शॉर्ट ट्रिक थी, दैट्स वाई मैंने भी सेम वीडियो अपलोड किया और उसके बाद ये वीडियो आ रहा है जिससे आपके सारे
सारे मिसकंसेप्शंस क्लियर होंगे। जब परफेक्ट में इतना बड़ा डिसएडवांटेज है तो आप लोग ने मेरे पे ब्लाइंडली बिलीव किया क्या? बिल्कुल नहीं। तो मैं आपको शो करती हूँ कैसे। पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि नॉन परफेक्ट और परफेक्ट में कौन कौन से नंबर्स होते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और परफेक्ट में आएगा 1, 8 एंड 9। ओके सो गाइस, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट क्यूब्स के लिए ये डिजिटल सम होल्ड नहीं करता है, वो चीज़ मैं आपको एक प्रॉब्लम देके डिस्कस कराने वाली हूँ कि वो कैसे होने वाला है। 6, 2, 8, 1 एक प्रॉब्लम है हमारे पास। हम क्या करेंगे, 6 + 2 + 8 + 1 डिजिटल सम करके देख लेते हैं। 6 + 2 = 8 = 16 = 17 = 8 सो द डिजिटल सम विल बी 8। ये जो 8 मिला है हमें, ये कहाँ मिला है, परफेक्ट क्यूब्स में। हम इसको क्या सोच बैठेंगे, ये परफेक्ट क्यूब है, और हम लगा देंगे वो पुरानी वाली ट्रिक जो मैंने अपलोड की थी। उस ट्रिक के अकॉर्डिंग लास्ट 3 डिजिट को पहले लेना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको रिलेट करना पड़ता है। तो ये कुछ आएगा 11। अब मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने तो एस्टिमेशन मेथड लगा दिया है, अब आप उस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं वो एस्टिमेशन मेथड क्या है। बट दिस इज़ व्हाट वी गेट आफ्टर वी डू द प्रॉपर क्यूब रूट ट्रिक दैट आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर, लेकिन ड्यू टू विच वी रिसीव 11 आज आर आंसर। अब मैंने कैलकुलेटर आंसर भी यहाँ पे लिख दिया है, आप खुद ही देख सकते हैं कि ये था हमारा ओरिजिनल आंसर 11 और 18.45 इज़ द करेक्ट आंसर। That is calculator answer. आप भी कैलकुलेटर लीजिए, मोबाइल पे कैलकुलेट करके देखिए, द आंसर विल बी समवॉट 18.45 एंड दैट्स वाई इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। स्टूडेंट्स, आप जब वो वीडियो चेक करोगे, पुराना वाला वीडियो, तो उसमें आपने देखा होगा मैंने कहीं मेंशन नहीं किया डिजिटल सम मेथड के बारे में। वो इसलिए क्योंकि मैं चाहती थी आप लोग खुद से होके वो क्वेश्चन पूछे, बट अनफॉर्चुनेटली एक भी क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है। सिर्फ एक जन ने पूछा था कि नॉन परफेक्ट क्यूब्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट स्टूडेंट्स, क्या ये करेक्ट है? ऐसा हो रहा है कि आंसर में इतना बड़ा गैप आ रहा है। अगर आप एक ट्रिक को सॉल्व कर रहे हो तो उस ट्रिक में मेंशन होना चाहिए कि ये एक ड्रॉबैक है। अगर बाई चांस वो नॉन परफेक्ट क्यूब हुआ तो क्या होगा, ये चीज़ किसी ने नहीं मेंशन की है। बड़े बड़े लोगों ने अपने वीडियोस बना रखे हैं, बड़े बड़े चैनल्स ने अपने वीडियोस बना रखे हैं, बट ये चीज़ मेंशन नहीं हुई है। ओके सो कीप अ नोट ऑफ इट, ये डिजिटल सम मेथड का भी एक कॉन्स है, ठीक है। ये मेथड कई लोगों ने बताया ही नहीं है, क्योंकि उनका अगर वो बता देते तो उनकी पोल खुल जाती ना। सो ये मेथड जान जाओ, ठीक है। आपका 2 to 7 अगर ये आ गया डिजिटल सम मेथड से, तो एक तो फ़ायदा है कि आप ब्लाइंडली उसे नॉन परफेक्ट मान के नॉन परफेक्ट का कोई मेथड लोगे और सॉल्व कर दोगे। ओके बट मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक लाने वाली हूँ क्यूब रूट का, जो कि अवेलेबल होगा कहीं ना कहीं, इंटरनेट पे अवेलेबल ज़रूर होगा, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट नॉलेज है उसमें। अगर आपको उसके बारे में कम्प्लीट नॉलेज चाहिए, अगर उसके बारे में आपको डेप्थ में नॉलेज चाहिए और कुछ सबसे नियरेस्ट आंसर चाहिए, क्यूब रूट में आपको पता है कि आपको डायरेक्ट वो आंसर नहीं मिल सकता, लेकिन हाँ नियरेस्ट आंसर ज़रूर मिलेगा। तो आपको सबसे नियरेस्ट आंसर चाहिए तो वो ट्रिक भी ला रही हूँ। इसके नेक्स्ट वीडियो में ही आपको वो ट्रिक मिलेगी, बहुत बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है, और ज़्यादा कुछ आपको देखना ही नहीं पड़ेगा इधर उधर ज़्यादा वीडियोस। मैंने कम से कम उसमें 50 to 100 क्वेश्चन सॉल्व करके देखे हैं। थैंक यू एवरीवन। और अगर आपने अभी तक अटेंडेंस नहीं लगाई है तो प्लीज़ लगाइए, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।